हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के एक अपडेट। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में दोस्तों टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1,78,37,943, जहाँ पर टोटल अगर आप देखें इस कंपनी की तो मार्केट कैप करिस्पॉन्डिंगली 10,443 करोड़ रुपए है, और ये ओपन हुआ 230.80 के ऊपर, और हाई बनाता है 238.20 का और लो बनाता है 221.50 का। अगर आप बात करें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के 52 वीक लो की तो 127.75 का और हाई है 313.70 का। एक छोटी सी खबर जल्दी से आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने आप देख सकते हैं यहां पे 7,075 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। ये पेमेंट किसको करी गई है, यू शुड नो दिस, और क्यों करी गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपको बताना चाहूँगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने और एक और कंपनी है जिसका नाम है ICCL, इन दोनों ने 2016 और 2018 में कुछ NCDs इशू किए थे। अभी मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, इंडिया बुल्स एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने यहाँ पे 7,075.84 करोड़ रुपये का टोटल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स NCDs से जुड़ी हुई ये पेमेंट है, और इसके इन्वेस्टर्स को पे कर दिया है। यानी ये NCDs जो इशू किए गए थे पहले, उसको रिडीम कर लिया गया है सितंबर 2021 के अंदर, राइट। देखिए, अब यहाँ स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। 2016 में IBH ने, यानी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, और इसके अलावा सितंबर 2018 में ICCL, और इसके अलावा 500 करोड़ रुपए का NCDs इशू किया गया था IBH के द्वारा, फिर से इससे पहले 2011 में। इन तीनों के वजह से जो NCDs की प्रिंसिपल वैल्यू थी, उसको यहाँ पे रिडीम करा दी गई है। इसके लिए टोटल कंपनी ने अभी तक पेमेंट किया है 7,075.84 करोड़ रुपए। आई होप यू गॉट इट। पब्लिक NCDs जो है यहाँ पे जो पे किए गए हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ये जो रीपेमेंट हुई है ये स्केड्यूल्ड डेट से पहले हुई है। स्केड्यूल्ड जो डेट थी उससे पहले हुई है, एक अच्छी बात है, टाइम से पहले पेमेंट कर देना। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने एक और बॉन्ड्स इशू कर रखा है जिसके लिए इनकी मैच्योरिटी डेट है मई 2022, और $350 मिलियन का ये बॉन्ड्स इशू किए गए थे जिसकी मैच्योरिटी 2022 है मई के महीने में। और इसके लिए कंपनी पहले से ही एक वॉलेंट्रली क्रिएट कर रही है एक रिजर्व फंड, जो पीरियोडिकली इसमें ये जो है थोड़े थोड़े करके 25% डालते रहेंगे, ताकि ये टोटल जो मैच्योरिटी प्रोसीड बने उसका 75% उस रिजर्व फंड में पड़ा रहे, ताकि उसको यूज़ कर सकें आगे, यूटिलाइज कर सकें जो स्केड्यूल्ड रिडेम्पशन होंगे, यानी उसको रिडीम करने के लिए जो पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। और ये जो रिजर्व फंड है, ये रिजर्व जो अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पे ये पीरियोडिकली ट्रांसफ़र करते रहेंगे, टोटल 75% जो टोटल मैच्योरिटी प्रोसीड होगी उसका 75% इस रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र हो के रहेगा, जिसको मैनेज किया जा रहा है IDBI ट्रस्टी के द्वारा। IBH इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट ट्रेंच में अगस्त 2021 के अंदर इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है, जबकि आने वाले नेक्स्ट टू ट्रेंचेस हैं, एक तो नवंबर 2021 और एक फरवरी 2022 के अंदर है, और ये जल्दी उसको भी करेंगे। रिसेंटली आपको मैंने अपडेट किया था, कंपनी ने एक यहाँ पे कंपनी की जो कंपनी ने एक यहाँ पे इशू किया था, बॉन्ड्स इशू किए थे जिसके लिए, जिसमें ये ओवर सब्सक्रिप्शन इनको देखने को मिला है। 4.04 टाइम्स इनको टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, और टोटल यहाँ से जो कलेक्शन हुआ है 807.83 करोड़ रुपए का। रिटेल कैटेगरी से 2.44 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे टोटल कलेक्शन हुआ 146.22 करोड़ रुपए का। तो ये एक छोटी सी खबर थी दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करके इनकरेज कर दीजिएगा। आगे आपसे कुछ और शेयर करते हुए मिलता हूँ। टेक केयर।